क्या आपको पता है साल 2010 में आई शाहरुख खान और काजोल की बेहतरीन फिल्म माई नेम इज़ खान, जिसमें शाहरुख खान को एस्पर्जर सिंड्रोम से पीड़ित दिखाया जाता है। आपको बता दूं कि शुरुआत में शाहरुख खान इस फिल्म को करने से बहुत डर रहे थे, क्योंकि उन्होंने इस तरह का कैरेक्टर इससे पहले कभी नहीं किया था। लेकिन बाद में जब उन्होंने इस फिल्म को साइन कर लिया था, तो इस फिल्म को अपना 100% देने के लिए शाहरुख खान 2 से 3 महीने तक इस फिल्म से जुड़ी बहुत सारी किताबें पढ़ रहे थे और एस्पर्जर सिंड्रोम से पीड़ित लोगों की वीडियोज़ देख रहे थे। इवन शाहरुख खान 1 महीने तक एस्पर्जर सिंड्रोम से पीड़ित लोगों के साथ भी वक्त बिताते थे, ताकि वो जान सके और फील कर सके कि इस बीमारी में लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में बताया कि इतना कुछ करने के बाद भी शूटिंग के समय हर एक सीन के लिए कई कई टेक करने पड़ते थे। बाय द वे, आपको शाहरुख खान की सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगती है कमेंट में जरूर बताना।